आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किसी भी गर्भवती महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ही उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, रिस्की प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आपके बच्चे का विकास यानी उसका वेट कम रह सकता है, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो सकता है, आपकी डिलीवरी भी समय से पहले हो सकती है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रेग्नेंट महिला को इनिशियल स्टेज से ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है वैसे ही इन चीज़ों को रूटीन में लाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी को देखना अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ प्रेगनेंसी में डाइट से जुड़ी हुई होती हैं। आपको पता है कि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होती हैं आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा पैदा होता है, मतलब देखने में भी उसका डेवलपमेंट भी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर प्रेग्नेंट महिला को एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि जिसकी थाली के अंदर दालें हों, बीन्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो, सैलेड हो, चपाती हो, चावल हो, ये सारी चीज़ों का कॉम्बो होना चाहिए, उसे कंप्लीट हेल्दी मील कहते हैं। तो ये मील आपको घर में प्रिपेयर करके डेली लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है और देखने में भी आता है कि जो कुछ महिलाएं होती हैं फूड क्रेविंग की तरफ बहुत ज़्यादा लालच रखती हैं, जिसकी वजह से चाट पकौड़ी खाना, चटपटा खाना, खट्टा तीखा खाना स्टार्ट कर देती हैं जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं। और 12 हफ्ते तक आपको वैसे भी हार्मोन के फ्लैक्चुएशन की वजह से ऐसे समस्या होती है, और ये जब आप करना शुरू करती हैं कि बाहर का कुछ खा रही हैं, चटपटा खा रही हैं, मसालेदार खा रही हैं, खटाई का सेवन कर रही हैं, तो इससे बच्चे को कोई लाभ नहीं मिलता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस बहुत कम होते ही नहीं हैं, ना मात्र होते हैं। दूसरी बात, ये हाइजीन नहीं होता है। अगर कुछ भी बाहर से खा लिया तो साफ़ सफाई का कितना ज़्यादा उसने ध्यान रखा है बनाने वाले ने, ये आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो इससे आपके गर्भ को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही कोशिश करिए कि जो भी खाना खाती हैं वो हेल्दी डाइट होना चाहिए, घर का बना होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको खाना है हर 2 घंटे में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो एक आपको गोली दी जाती है फॉलिक एसिड की, फॉलेट नाम से भी ये हो सकती है। और फॉलिक एसिड आपके गर्भाशय को मजबूत बनाता है, इसमें पल रहे भ्रूण के विकास में मदद करता है, आपकी प्रेगनेंसी को स्टेबल रखता है और अर्ली मिसकैरेज से भी बचाता है, बच्चे के संपूर्ण विकास में मदद करता है। तो फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जब कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसको प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई कर रही हैं तब से फॉलिक एसिड लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं, यानी प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए कंटिन्यू बेसिस पे। 5 mg तक एक दिन में फॉलिक एसिड का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़रूरी है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे आपके गर्भ का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो क्या इसका सप्लीमेंट ही लेना ज़रूरी है? क्या इसके टैबलेट्स ही खाने ज़रूरी हैं? तो नहीं, फॉलिक एसिड कई सारे नेचुरल चीज़ों में भी मिलता है जिसे हम फॉलेट कहते हैं। जैसे कि आपने ब्रोकली खाया, आपने पालक का सेवन किया, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, साग पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें फॉलिक एसिड बहुत हाई होता है। जितने भी बीन्स वाली चीज़ें होती हैं उनमें भी फॉलिक एसिड बहुत हाई होता है। तो इसका मतलब ये है कि डेली साग सब्जी खाना है और उसमें बिल्कुल परहेज नहीं करना है, जिससे कि फॉलेट जो है वो आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा और बाकी की थोड़ी बहुत कमी जो होगी वो अगेन सप्लीमेंट्स यानी टैबलेट से भी पूरी हो जाएगी। 3, हाइजीन का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद हार्मोनल फ्लैक्चुएशन की वजह से महिलाओं को वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन में महिलाओं का वजाइनल पीएच लेवल डिस्टर्ब्ड होता है। ऐसे समस्या से जूझने के लिए महिलाएं अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखती हैं तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी महिला को इन्फेक्शन पहले से 3 महीने के अंदर होता है तो इसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस वजह से हाइजीन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए। अगर आपको डिस्चार्ज होते हैं तो पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करें, कॉटन वेयर करें पैंटीज को, और साथ ही साथ हर 5 से 6 घंटे में पैंटीज को चेंज कर लीजिए। हर बार जब आप पी पास करने जाती हैं तो आप साफ पानी से निचले अंगों को धो लीजिए, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से
से कम हो जाएंगे। अगर रिलेशन मेंटेन कर रही हैं तो रिलेशन के जस्ट बाद आपको अपना हाइजीन का ध्यान रखना है, यानी कि वॉशरूम जाके साफ सफाई भी करनी है। इससे आप इन्फेक्शन से बची रहेंगी और इससे जो कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन से जुड़े हुए होते हैं महिलाओं के वो कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी को खतरा कम होता है। टिप नंबर 4, कई बार प्रेगनेंसी के दौरान अर्लियर स्टेज में आपकी तबीयत बिगड़ती रहती है, आपको वोमिटिंग होते हैं, आपको फीवर जैसा फील होता है, आपको हेडेक होता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम होती है और बॉडी पेन भी होता है। तो छोटे छोटे जो मेडिसिन होते हैं जैसा पैरासिटामोल है, हम आराम से ले लेते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए ये जैसे ही डाला शरीर के अंदर आपकी परेशानी छू मंतर हो जाती है, लेकिन एक प्रेग्नेंट वूमेन को अपने शरीर में पल रहे और छोटे से भ्रूण के बारे में भी सोचना होता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, उसको भी झेलना पड़ता है। तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आप बिना सोचे समझे अपने मन से कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकती हैं। कई सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो प्रेग्नेंट महिला को रिकमेंडेड होते नहीं है, मतलब उनको खाना ही नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो मेडिसिन जो कॉमन मेडिसिन है जो आप पहले लेती थी। तो ऐसे वक्त में जब आप प्रेग्नेंट हैं तो बिना सोचे समझे किसी भी छोटी छोटी परेशानी से जूझने के लिए भी अपने मन से या किसी के रिकमेंडेशन से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। आपको ऑलवेज अपने गायनों से मिलना है और उनको अपनी परेशानी बतानी है, वो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे वही मेडिसिन आपको लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टिप नंबर 5, कभी भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। पॉल्यूशन वाले जगह पे जाने की वजह से क्या होता है कि पॉल्यूटेड एयर जो होता है पॉल्यूशन से भरा वो आप इनहेल करती हैं, इनहेल करने की वजह से आप भी बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ सकती हैं, जैसे सीजनल वायरल इन्फेक्शन वगैरह, और इसके अलावा गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान होता है। तो कोशिश करिए कि जितना हो सके पॉल्यूशन से दूर रहिए। बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह, बहुत ज़्यादा क्राउड प्लेसेस पे, बहुत ज़्यादा जहाँ पे आवाज़ें हो रही हैं वहाँ से दूरी बना लीजिए। स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो बेबी होता है वो माँ की बातों को भी महसूस करता है, सुनना शुरू कर देता है, तो जब आप ऐसे जगह पे जाएंगी तो उसको प्रॉब्लम नेचुरली होगा ही, वो घर में काफ़ी ज़्यादा अनइजी सा फील करेगा, हो सकता है उस समय काफ़ी एक्टिव हो जाए और आपको भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो कभी भी पॉल्यूशन वाली जगह पे नहीं जाना है, घर की सफाई हो रही है, घर में पेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप प्रेग्नेंट हैं। तो अगर ऐसे कोई घर में भी काम हो रहे हैं या करना है तो किसी की मदद लेकर करिए या सेफ्टी के साथ करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हर प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, एक हेल्दी डिलीवरी तक जो सक्सेस रेट होता है उसको बढ़ाने के लिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आपको पता है कि कोई भी अच्छी चीज़ शेयर जरूर करनी चाहिए, क्या पता किसकी मदद हो जाए इस छोटे से इंफॉर्मेशन से। तो फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई है तो, और चैनल पे नियमित मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम पूजा है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना रखिएगा पूरा ख्याल। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।